आजकल देखिए दोस्तों, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम, सोनी लिव, जी फाइव, इस तरह की एप्स हर कोई देखना पसंद करता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी कहाँ आती है? डाटा की या फिर स्पीड की, है ना। चलिए, स्पीड भी मैनेज हो ही जाती है, लेकिन हाई स्पीड के अंदर और कम प्राइस के अंदर, जिसमें आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि हमें एक हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाए, हाई स्पीड जो है ब्रॉडबैंड प्लान मिल जाए, और जो है प्राइस भी कम मिल जाए, है ना। तो मैं बात करने जा रहा हूँ, वैसे सबसे सस्ता जो ब्रॉडबैंड प्लान है आप लोगों को जियो ही लगता होगा, है ना, कि सबसे सस्ता जो फाइबर प्लान है, ब्रॉडबैंड प्लान है, वो जियो ही हो सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जियो से भी सस्ता एक फाइबर प्लान है, जी हाँ, जो आप लोग ले सकते हैं। लगभग हर एक सर्कल में, हर एक रीजन में ये अवेलेबल है, काफ़ी सिटीज में, काफ़ी स्टेट्स में ये अवेलेबल है भाई, ठीक है। मेनली दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये अवेलेबल है। जिस ब्रॉडबैंड प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, जिस फाइबर प्लान की, वो है एक्साइटल के नाम से। जी हाँ, एक्साइटल एक ब्रॉडबैंड प्लान है जो कि सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करता है आप लोगों को, जियो से भी काफ़ी सस्ता है। और ओटीटी एप्स की बात करूँ तो आप लोगों को अलग अलग ऐप्स से जो है सब्सक्रिप्शन पैक लेने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर आप लोगों को बहुत सी ऐप्स मिल जाती हैं। तो सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। वीडियो पर एंड तक बने रहना दोस्तों। चैनल पर नए आए हो, फेसबुक पेज पर नए आए हो, अभी तक फॉलो नहीं किया है पेज को, फॉलो कर ले ऐसी ही अपडेट्स लेते रहने के लिए। जी हाँ, तो चलिए, बात हो रही है जियो से सस्ते फाइबर प्लान को लेकर, एक्साइटल। जी हाँ, एक्साइटल एक ऐसा ब्रॉडबैंड प्लान है जो कि सबसे सस्ता इंटरनेट आप लोगों को देता है, सबसे ज्यादा हाई स्पीड के साथ। एक्साइटल का जो सबसे सस्ता प्लान है वो है भाई 734 पर मंथ। जी हाँ, 734 रुपये महीना आप लोगों को रिचार्ज करवाना है इस फाइबर, इस ब्रॉडबैंड प्लान को, एक्साइटल जो ब्रॉडबैंड प्लान है। इसके अंदर देखिए, आप लोगों को जो स्पीड मिल रही है वो मिल रही है 400 Mbps की। कोई भी फाइबर प्लान, कोई भी ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट प्लान है वो नहीं देता है भाई इतनी स्पीड, कोई भी फाइबर प्लान नहीं देता है, ठीक है। 400 Mbps की स्पीड 734 रुपये में आप लोगों को मिलने जा रही है। और OTT एप्स की जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके अंदर 21 OTT एप्स, 21, जी हाँ, सबसे ज़्यादा 21 OTT एप जो है आप लोगों को एक्साइटल दे रहा है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी, चाहे सोनी लिव हो, चाहे हॉटस्टार हो, चाहे आप लोगों का प्राइम वीडियो हो, नेटफ्लिक्स हो, मतलब सभी तरह की OTT एप्स जो है। 21 OTT एप्स में आप लोग अंदाजे ही लगा सकते हैं भाई, ये एप्स तो आने ही वाली है, ठीक है। और कोई भी फाइबर प्लान जो है इतनी OTT एप्स आप लोगों को इतने कम प्राइस में और इतनी स्पीड के साथ नहीं देता है। बाकी चलिए मैं कंपेयर भी करके बता देता हूँ जियो जो है आप लोगों को कितने में क्या कुछ दे रहा है। जियो के अगर फाइबर प्लान की बात करूँ तो 899 रुपये में होता है भाई, 899 रुपये में। वैसे से कम प्लान भी है, लेकिन अगर स्पीड की बात करी जाए तो 100 Mbps की स्पीड के साथ 899 रुपये से, मतलब ठीक ठाक जो है जियो फाइबर प्लान शुरू होता है। और 899 रुपये दोस्तों, ये कंप्लीट प्राइस नहीं है, इसके अंदर GST अगर इंक्लूड करेंगे 18%, तो लगभग इसका प्राइस होने वाला है 1000 रुपीज़। 1000 में स्पीड मिलेगी आपको सिर्फ 100 Mbps की, जहां एक्साइटल आप लोगों को 734 रुपये में 400 Mbps की स्पीड दे रहा है। और OTT एप्स की बात करूं, जहां एक्साइटल आपको 21 OTT एप्स दे रहा है, तो जियो में आप लोगों को 13 OTT एप्स मिलेगी। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया भाई, एक्साइटल आप लोगों को लगभग 550 प्लस चैनल भी दिखाएगा भाई, जिसमें कलर्स HD, सोनी HD, डिस्कवरी HD सभी तरह के चैनल भी देख पाएंगे, जैसे कि जियो फाइबर प्लान आप लोगों को दिखाता है। जियो फाइबर प्लान में OTT एप्स 13 मिलेंगी, चैनल्स भी मिलेंगे चलिए देखने के लिए, लेकिन जो स्पीड मिलेगी वो 100 Mbps की मिलेगी। अगर 400 Mbps की आप लोगों को स्पीड मिल रही है, तो कलर्स HD चैनल जैसे जैसे चैनल जो है आप लोग बिना बफरिंग के हाई क्वालिटी में बड़े मजे से देख पाएंगे भाई, है ना, मजा आएगा ना 400 Mbps की स्पीड में देखने में। और प्राइस भी काफी
कम है भाई। बाकी अगर इसी का कंपेयर में करूं एयरटेल एक्सट्रीम प्लान के साथ, तो एयरटेल जो फाइबर प्लान है, एयरटेल एक्सट्रीम प्लान है, वो स्टार्ट होता है भाई, मतलब 200 एमबीपीएस की स्पीड है उसका प्लान है 1099, जी हाँ 1099 रुपये में, और अगर जीएसटी इंक्लूड करें तो वो लगभग बन जाता है 1300 रुपये के आसपास उसका प्राइस, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोगों को चलिए 300 प्लस चैनल देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर पेड चैनल भी देखने को मिलेंगे। बाकी ओटीटी ऐप्स की बात करूँ तो 12 ओटीटी ऐप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके अंदर, सिर्फ 12 ओटीटी ऐप्स। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं भाई, एयरटेल भी इसके आगे कुछ नहीं है और ना ही जो है जियो फाइबर प्लान इसके आगे कुछ है। सबसे सस्ता एक तो आप लोग, हर कोई, चाहे आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे उनमें मैं हूं, चाहे आप लोग हैं, हर कोई क्या चाहता है कि हमें कम प्राइस में हाई स्पीड मिल जाए, चैनल भी देखने को मिल जाए, HD वगैरह और OTT एप्स भी देखने को मिल जाए। तो अगर ऐसा ही आप लोग ब्रॉडबैंड या फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान लेना चाहते हैं तो भाई एक्साइटल कंपनी का ले सकते हैं। एक्साइटल की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए आपके रीजन में एक्साइटल ब्रॉडबैंड है या नहीं है, तो आप लोग जो है इसका आनंद ले सकते हैं। सो अपडेट अच्छे लगे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, और हाँ शेयर भी करते रहा करें दोस्तों, ताकि अदर लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लें। धन्यवाद।